घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने आज मंत्री के तौर पर शपथ ले लिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रामदास सोरेन जी मौजूद है। हम बातचीत करेंगे, पहले तो दादा आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई, धन्यवाद। दादा, आज जिस तरीके से आपने मंत्री के तौर पर शपथ लिया है, जिम्मेदारी काफी बड़ी है, समय कम है, किस तरीके से कार्य कीजिएगा? देखिए, निश्चित रूप पर आज समय की तकाजा है, समय के अनुसार जो भी ये फेरबदल हुआ, जो भी जिम्मेवारी मिले है, और इसी बीच में ही हम ये अपना प्रयास करेंगे। जो भी विभाग हमको मुझे मिलेगा, अभी तो लिखित तौर पर हमको मिला नहीं, लेकिन शाम तक मुझे लगता है कि मिल जाएगा, ऐसे सूचना है। और हम देखेंगे आचार संहिता लगने के पहले तक किस किस काम को हम धरातल में उतर पाएंगे, वैसे योजना को हम चालू करेंगे। और पूरे राज्य में हमारे दोनों विभाग से उसको धरातल में उतारने का हम विभागीय बैठक करके उसको हम सुचारू रूप से धरातल में लाने का हम प्रयास करेंगे। दादा, समय का अभाव है, जिस तरीके से 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, कुछ रोड मैप आपने तैयार कर रखा है, पाइपलाइन में काफी चीजें हैं, उसको किस तरीके से कीजिएगा? क्योंकि आपने अभी कहा कि बैठक करेंगे तमाम अधिकारियों के साथ, तो कुछ दिशा निर्देश भी उन्हें दिए जाएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम पहले समीक्षा करेंगे कि कौन काम कितना दूर तक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो काम पूरा अधूरा है उसको कैसे हम 2 महीने के अंदर पूरा करूँ, ये हम विभाग को दबाव देंगे और उसको पूरा करवाएंगे। और नया काम जो है, निश्चित रूप से आज जो छोटा मोटा काम होगा, वैसे नया काम को धरातल उतारने के लिए वैसे योजना को भी हम लेने का काम करेंगे। अच्छा, ये कहा जाता था कि चंपई सोरेन से आप काफी क्लोज थे, तमाम बातें आप लोग करते थे, ये भी कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन अगर दल बदलते हैं तो शायद 4 से 5 विधायक उनके साथ जाएंगे, आपका भी नाम सामने आ रहा था, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन की ओर से आपको भी बुलाया गया था, तो उस वक्त क्या हेमंत सोरेन की ओर से कुछ मूलमंत्र आप लोगों को दिए गए थे क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। चंपई सोरेन जी, निश्चित रूप से हम लोगों ने एक साथ काम करने का मौका मिला है, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में एक साथ हम लोग काम किए, एक अलग आंदोलन किए, एक साथ रेल जाम किए, एक साथ गेट जाम किए, एक साथ NH हाईवे जाम किए, एक साथ जेल भी गए, और आज हम लोग, मैं भी विधायक बना, वो भी विधायक बना, मंत्री बना और मुख्यमंत्री भी बना। ऐसे मुझे नहीं लगता है, जो पेपर में आ रहा है, देखने के लिए मिल रहा है कि हमको सम्मान नहीं मिला, अपमान किया गया है, तो इसके बात को पूर्ण रूप से खारिज करना चाहता हूं। क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन में चंपई सोरेन को जो सम्मान मिला है, हमको लगता है कि इससे ज़्यादा किसी भी यहाँ का MLA या MP या केडर लीडर को सम्मान मिला है जितना चंपाई सोरेन को सम्मान मिला है। दादा, उन्होंने अपमानित करने का आरोप लगाया था, तो क्या इस बीच आपसे उनकी बात हुई थी क्या कि इस तरीके से वो जूझ रहे हैं या फिर उनके दिमाग में कई बातें चल रही है? उनका ये कहना था, बार बार वो इस बात को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जो CM का कार्यक्रम था उसे स्थगित किया जाता है बिना उनके अनुमति के, तो क्या इसको लेकर आपकी बात हुई थी उनसे? इस तरह का कोई हम लोग से, हमसे ना बात हुआ, ना मेरे किसी, हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला का किसी विधायक से बात हुआ, हम लोग इस बात पर पूरा अनुभव हैं और इस तरह का बात हम उससे कभी नहीं किया है। अच्छा, राजनीति से इतर कितनी कमी खलेगी उनकी, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा, जेल भी गए आप लोग साथ में, आंदोलन भी किए, कई अप्स एंड डाउन आप लोगों ने देखा, कितना कमी खलेगा उनका? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, यह ए माटी का पार्टी है, और माटी का पार्टी होने के नाते उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही इस माटी से हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही शोषण अन्याय के खिलाफ लड़ने के से जन्म हुआ। इसलिए जिस तरह हम लोग देहात में हम लोग बोलते हैं बांस का झाड़, एक बांस को अगर लगाइएगा फिर बांस लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक बढ़ते, इतना बढ़ता है, अब हर साल काटिए हर साल उसका डबल बांस होगा, उसका उत्पादन गाछ होगा। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में जन्म जात ही यहाँ का सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य हैं, और इसलिए कभी वो खत्म होने वाला नहीं है। जिस तरह बांस का झाड़ खत्म नहीं होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस तरह झारखंड में कभी खत्म नहीं होगा। और जितना जितना यहाँ पर उसका ऊपर दबाव होगा, अत्याचार होगा, शोषण होगा, उतना झारखंड में और मजबूत होगा।
कोल्हान में 14 सीटें हैं, अगर 2019 के आंकड़ों को अगर हम ध्यान दें तो बीजेपी की पकड़ उतनी अच्छी नहीं है और शायद यही वजह है कि बीजेपी वहां पर जीत नहीं पाई थी। निरंतर आप लोग काम कर रहे हैं, चंपई सोरेन भी लगातार काम कर रहे थे, तो क्या पार्टी छोड़ने से या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिस तरीके से उन्होंने किनारा अपने आप को कर लिया था, तो क्या इसका नुकसान होगा क्या विधानसभा चुनाव में? किसी को पार्टी छोड़ने से किसी को किस तरह का नुकसान नहीं होगा, चूंकि आप तो झारखंड में का कोल्हान क्षेत्र में हम लोग और मजबूत हो चुके हैं, इसलिए कि कोल्हान से हमारे एक सांसद मैडम गीता जी जोबा मैडम जीत गई है सांसद से, और हमारा चाईबसा से हमारा मंत्री दीपक मंत्री हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला से मैं मंत्री हूँ, तो और तो हम लोग और मजबूत हो चुके हैं। इस बार 2024 का चुनाव निश्चित रूप से उसे अच्छे ढंग से अच्छे रूप से और मजबूती के ढंग से ज़्यादा वोट को जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अच्छा दादा, एक और आरोप लगाए हैं चंपई सोरेन, उनका कहना है कि जासूसी हो रही थी, दो मंत्रियों को गार्ड के रूप में हर जगह भेजा जा रहा था, वो कुछ कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो क्या आपको लगता है इतनी परेशानी से वो जूझ रहे थे? नहीं, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं किस परिस्थिति में वो बोल रहे जासूस, चूँकि सरकार का जो है निश्चित रूप से किसी का भी सरकार हो वो हर जगह अपना CID लगा देता है, एजेंसी लगा देता है अपना क्षेत्र का जानकारी प्राप्त करने के लिए, और वैसे गणमान्य लोगों के बीच में भी एक ये छोड़ दिया जाता है भी उसका कार्यकलाप क्या है, ये सरकार का ये में है। तो उस तरह अगर कई जैसे अब देखा जा रहा है कि थाना क्षेत्र में भी एक जासूस को छोड़ दिया जाता है, थाना में क्या हो रहा है, दारोगा कैसे काम कर रहा है, सिपाही कैसे काम कर रहा है, कौन पदाधिकारी कैसे काम कर रहा है, इस तरह का हो सकता है, लेकिन ये आरोप लगाना कि बिल्कुल निराधार है, मेरे पीछे जासूसी छोड़ करके हमको परेशान किया कर रहा है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। अच्छा दादा, कोल्हान और संताल की बात करेंगे तो बीजेपी की पकड़ उतनी नहीं रही है, लेकिन अब कह सकते हैं कि 2024 में नज़ारा कुछ और होगा, विधानसभा चुनाव में नज़ारा कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ से चंपई या सोरेन, चाहे हम गीता कोड़ा की बात कर लेंगे, दोनों ने बीजेपी ज्वाइन किया, संताल की बात कर लेंगे तो सीता सोरेन ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी का दामन थामा, तो क्या लगता है बीजेपी को फायदा होगा क्या 2024 में कोल्हान और संताल में? कोल्हान और संथाल परगना में ये लिख करके रख लीजिए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने होगा, पूर्ण रूप से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। हमारा कोल्हान में तो एक भी सीट नहीं जीत पाएगा, एक भी सीट नहीं जीत पाए चाहे कोई भी लड़ ले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के बहकावे में आ रहे हैं, क्या ऐसा आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि कई जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है उनका यही कहना है कि बीजेपी जो है बहका रही है, बरगला रही है। देखिए, बीजेपी के पास एक फंडा तो जरूर है जो झूठ बोल करके दूसरे पार्टी से लोगों को तोड़ के लाने वाला फंडा जो है वो है मुख्यमंत्री का पद का लोभ दे करके, चलिए आपको आप अपना पार्टी से छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कई लोगों को लेके भी गया। ये लोग आपको भी दिया गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे नहीं है, ये हमारे दल के लिए निश्चित रूप से जो इसका पहले भी बात कर रहे हैं, सीता सोरेन मैडम को भी बोला गया था आप आइए आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, उसका ये मैं वो भी पड़ गई है। और अभी हमारे चंपा जी को भी वही बोला जा रहा आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो हम कह रहे हमारा ये कहना है पहले से ही मुख्यमंत्री का बीजेपी में लाई लगा हुआ है, बाबूलाल मांडी है, अर्जुन मुंडा तीन बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, रघुवर दास है यहाँ पर मधुकोला भी है, तो क्या ये लोग मुख्यमंत्री लायक नहीं है बीजेपी? मुझे लगता है कि ये इतने वरिष्ठ नेता, इतने सीनियर नेता, मुझे लगता है कि वो लोग पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री लायक वो लोग को नहीं समझ रहा है कि अर्जुन मुंडा को तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपको लोभ दिया गया था कि नहीं दादा? नहीं, हम लोग को तो हमारा साथ में मैडम जो ये सीता सोरेन था उनके दरबार में वो लोग आए हुए थे, उनको बोला गया था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप 2-4 MLA का साथ आइए। आपको बोला जाता तो आप क्या करते? नहीं, हमने उसी समय FIR कर दिया ध्रुवा थाना में, अभी आप देख लीजिएगा, हमने विरोध किया, हमने ध्रुवा थाना में इसका विरोध में FIR कर दिया है कि इस तरह लोभ देने के लिए कुछ लोग दलाल, बीजेपी का दलाल लोग आए हुए हैं, हमने इसे FIR कर दिया था। आखिरी सवाल, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता हम लोग का यही रहेगा, हम लोग का जो झारखंड अलग राज्य का
लड़ाई लड़ने का उद्देश्य जो है झारखंड क्षेत्र में रहने वाली शोषित पीड़ित जनता को मुक्ति मिले, उनका हक अधिकार मिले, यहाँ का जल जंगल जमीन बचे, यहाँ का पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिले, यहाँ के माता बहनों को दूसरे राज्य में पलायन ना हो, दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाना नहीं पड़े, वो सबको रोकने का ही हमारा सरकार की महागठबंधन की और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ रामदास सोरेन मौजूद थे। आज मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ लिया है। इन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से जो भी काम अधूरे हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा करना है। तमाम सवाल हमने इनसे पूछे, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।